सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। शिक्षा विभाग में मचा हरकम, 24,000 शिक्षक बर्खास्त, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी प्रमाण पत्र वाले को बाहर करने का आदेश दिए हैं, जल्दी से जाने पूरी जानकारी। तो दोस्तों आप देख लिए जो शिक्षा विभाग में क्या स्थिति अभी बनी हुई है, 24,000 शिक्षक को बर्खास्त किया गया, क्यों किस लिए, तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लिए, निर्धारित अंक से कम नंबर दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र फर्जी, टीटीईटी में 4,000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए, जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटीईटी में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी सीटीईटी में 60% से कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग जाति निवास खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से सरकार द्वारा दिए गए वेतन की भी वसूली की जाएगी। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सक्षमता पास परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि सक्षमता पास 1.87 लाख अभ्यर्थी 1 अगस्त से 13 सितंबर तक काउंसलिंग की गई है थी। इस दौरान 42,000 शिक्षकों की कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हुई, जबकि 3,000 से अधिक शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित थे। 42,000 में 10,000 से अधिक शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका। हालांकि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है उनको छठ के बाद फिर से मौका मिलेगा। दोस्तों ये स्थिति है और सिर्फ यही आप सुनेंगे जो इतना फर्जी पाया गया, मगर आज तक बर्खास्त नहीं हुई, आज तक जो है किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया, क्योंकि ये बिहार है, बिहार में सब सेटल हो जाता, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, यही स्थिति है बिहार में। ठीक है, देखिए सीतामढ़ी में जांच के दौरान 7 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, FIR दर्ज। तो सिर्फ फर्जी पाए गए ऐसा ही होता है, समझे कि नहीं, कभी ये नहीं सुने हैं, सिर्फ ये सुने होंगे जो इतना जिला में जो है फर्जी शिक्षक पाए गए, मगर आज तक किसी को हटाया नहीं गया, किसी को नहीं हटाया गया, ये स्थिति है, समझे कि नहीं, सब सेटलमेंट हो जाता है। प्रमाण पत्र का भी हो रहा है सत्यापन सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा, पहली जांच में प्रमाण पत्र फर्जी। अब बताइए इतना 4,000 शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र है, इसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए और इन लोग पर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पेपर में आके आपको जो है दिखेगा जो इस जिला में इतना फर्जी शिक्षक पाए गए, मगर आज तक एक भी शिक्षक को हटाया नहीं गया, नहीं एक भी शिक्षक पर कानूनी कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में हर चीज संभव है। ठीक है, तो ये स्थिति बनी हुई है और सिर्फ देखिए आज हम आपको पेपर के माध्यम से बता दिए हैं और फिर दूसरा दिन देखेंगे ये सब पेपर से भी गायब हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये स्थिति बनी हुई है, मान लीजिए जिसका एक बार में जो है फर्जी डिग्री पाया गया, क्या दूसरी जांच में उसको जो है सही डिग्री हो जाएगी, दूसरी जांच में सेटलमेंट होगी, बस यही स्थिति है बिहार का, समझे कि नहीं, और खासकर शिक्षा विभाग का। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से और भी कोई अपडेट आएगी फर्जी शिक्षक को लेकर, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।